जय जिनेन्द्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। लुधियाना की धन्यधरा गोल्फ लिंग में स्थित श्री बाबा भोला जी के भवन के प्रथम वार्षिक समारोह परम पूज्य साध्वी श्री प्रीति रत्ना जी महाराज साहब, साध्वी प्रीति सुधा श्री जी महाराज साहब आदि थाना 3 की पावन निश्रा में मनाया गया। इस मौके स्नान पूजा महिला मंडल द्वारा किया गया। आज एक बार फिर श्री बाबा भोला भवन धन्य धन्य हो गया, जहाँ पर श्री आत्म वल्लभ सुमुंद इंद्र के वर्तमान गच्छापति शांति दूत परम पूज्य श्रीमद नित्यानंद सुरेश्वर महाराज साहब की आज्ञा अनुसार पंजाब शेरनी पूज्य साध्वी प्रमोद श्री जी महाराज साहब की सुशिक्षाएँ परम पूज्य साध्वी प्रीति रत्ना श्री जी महाराज साहब, साध्वी प्रीति सुधा श्री जी महाराज साहब थाना 3 आज दुग्गर भवन में पधारे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारा ये दुग्गर भवन का पहला ध्वजारोहण उत्सव होने जा रहा है और इसके लिए गुरुदेव की निश्रा में ये सारा कार्य संपन्न हुआ। तो आज पूरा दुग्गर समाज इन साध्वियों का ऋणी हो गया कि जिन्होंने अपने कर्मों से आज विधि विधान से स्नातन पूजा पढ़ाई और ध्वजारोहण का उत्सव किया। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ शिवांगी की रिपोर्ट। मॉरिशस के पीएम पहुंचे भारत अपनी पत्नी कोविता जोगीनाथ के साथ। हिमाचल के बनखंटी स्थित मां बगलामुखी मंदिर में माथा टेका व किया हवन यज्ञ। जुगनाथ की पत्नी कोविता ने मन्नत मांगी थी कि उनके पति मॉरिशस के पीएम बने, जब उनकी मुराद पूरी हो गई तो दोनों यहां माथा टेकने आए। इसके बाद उन्होंने वहीं पर शिवलिंग पर अभिषेक किया व काफी देर मंदिर परिसर में रुके व उसके बाद वापस दिल्ली लौट गए। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे प्रविंद जुगनाथ जी, उन्होंने दर्शन करने चाहे महामाई के और माता रानी के आदेश से ही वो सब संभव हुआ है। और उनकी धर्मपत्नी 2 महीने पहले यहाँ पे आके दर्शन करके गई थी, माथा टेक के गई थी। तो उन्होंने जो है राजनीतिक उसके लिए उन्होंने अपना पूजन करवाया और यज्ञ करवाया और माता रानी उनको शुभ आशीर्वाद दे और उनकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करे। और वो हमारे पास आज सुबह 9 बजे के करीब आ गए थे और 11 बजे तक वो यहाँ पे रहे। 2 घंटे उनका जो है पूजन अनुष्ठान जो है यज्ञ वगैरह वो हमने करवाया और माता रानी का उन्होंने जो है आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर की तरफ से सारी व्यवस्था बहुत उचित रही है जी, और प्रशासन की भी जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो भी बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है दर्शन हुए उनको और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हुई है। मंदिर प्रशासन ने और ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है हमारा और बहुत अच्छे से उनका यज्ञ पूजन और जो है शिव मंदिर उनका क्या कहते हैं और उनको चाय वगैरह जलपान करवा के माता रानी का आशीर्वाद दे के भेजा। सुरक्षा व्यवस्था का कैसा प्रबंध था यहाँ पे? रक्षा व्यवस्था का बहुत ही उचित प्रबंध था जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम था। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दर्शन करवाए, आम जनता को भी तंग नहीं किया, आम जनता को भी उन्होंने प्रॉपर वे से समझा के रोक के रखा और उनको भी प्रॉपर सेफ रख के और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करवाए और सबको अपना सहयोग दे के कार्य किया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सरकारी व्यवस्था की चरमराती हुई हालत का एक और नमूना आया सामने। लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। लुधियाना के चंडीगढ़ रोड सेक्टर 32 स्थित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर बुधवार को सुबह से ही लोग अपने लाइसेंस बनवाने के लिए इंतजार कर रहे थे, पर इंटरनेट सुविधा बंद होने के कारण उनके हाथ निराशा लगी। जब आत्मा चैनल की टीम ने यहां का दौरा किया तो पाया कि यहां लोगों के डॉक्यूमेंट्स इधर उधर रद्दी की तरह बिखरे पड़े हैं और कर्मचारी अपने आप में ही मशरूफ हैं। मैं तो की खाना मेरे तो सिर्फ मैडम नाल गल करो, मेरी गल सुनो, तुसी नीचे मैडम नाल गल करो ना, मेनू तो की पूछना, मैं तो इंचार्ज नहीं हैगी ना, हैना जेड़े इंचार्ज ओदा नाल गल करो। दस दो की कम इदा होंगे, जिले बैठे हैं आपां, एक कमरे सारे बैठे हैं, नीचो ही आए हैं हुने, नीचो आए हो, मेरी गल सुनो, पैसे तो सिस्टम देख, हैं पैसे इसलिए मिल रहे हैं सरकार तो,
ਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੇੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ लुधियाना से विकास भावरी के साथ गगन की रिपोर्ट। आईडीबीआई बैंक की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने लोगों के मार्गदर्शन के लिए उठाया बड़ा कदम। शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में लोगों की नकारात्मक सोच और उनके डर को दूर करने के लिए आईडीबीआई बैंक की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अब लोगों के बीच आकर उनका सही मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। कंपनी के प्रबंधकों के मुताबिक ग्राहकों को जरूरत है सही मार्गदर्शन की, जिसके लिए उन्हें किसी एजेंट से जानकारी उपलब्ध करने के बजाय सीधे बैंक से भी संपर्क कर पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, अभी पिछले कई अरसों से, पिछले कई महीनों से जिस तरीके से शेयर मार्केट की मूवमेंट रही है, हमारा जितने भी हम कस्टमर से, अपने रिटेल कस्टमर से बात करते हैं, उनका यही बोलना रहता है कि सेंसेक्स इतना ऊपर भाग गया जी, निफ्टी इतना ऊपर भाग गया, लेकिन हमारी पोर्टफोलियो, हमने जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं उनका क्या, वो नीचे जाते जा रहे हैं। तो हमें जब बहुत सारे ऐसे फीडबैक मिले तो हमें लगा कि हमें अपने कस्टमर्स के बीच में जाना चाहिए, हर एक जगह जाके ऐसे इवेंट करने चाहिए और जहाँ पे हम कस्टमर्स को बताएं कि क्यों ऐसा होता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो दो तरीके हैं, या तो हम एक डॉक्टर के पास जाएं या तो हम एक दवाई की दुकान पे चले जाएं। तो ऐसा हमें लगता है कि लोग सीधा दवाई के दुकान पे जा रहे हैं और जो भी कोई दवाई या पिल मिलती है वो खा के उनको लगता है कि तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसा ही स्टॉक मार्केट है, अगर कोई एनालिस्ट है जो क्वालिफाइड है, आपको बताए आपके स्टॉक कैसा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, रादर देन कोई एक यू नो दवाई का दुकानदार की कोई भी दवाई एक बता के चला जाए, अपने को पता नहीं कि जी क्या स्टॉक लेना चाहिए और क्या नहीं। लुधियाना से विकास भावरी के साथ शिवांगी की। नाभा में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके उन्होंने 10 सालों में अकाली दल सरकार की तरफ से झूठे एनडीपीसी एक्ट के मामले दर्ज किए जाने पर बनाई रिपोर्ट, जस्टिस मेहताब सिंह की अगुवाई में अंतिम रिपोर्ट कैप्टन को सौंपे जाने पर कहा जो भी झूठी रिपोर्ट बनाई गई है उसका हिसाब लिया जाएगा। वहीं विरोधी पक्ष के नेता हरपाल चीमा की तरफ से सिद्धू को आम आदमी पार्टी में शामिल करने को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए आप भी सुनिए। सही फैसला किया इनक्वायरी तो बाद जेडे 10 साल के झूठे परचे सीगे वो सामने आए ने, उन्होंने मुक्त किया और अगे नू भी जिहड़ा जिन्हां दे नाल धक्केशाही हुई आ अकाली दल दे टाइम दे विच, उन्हां नू न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा एंड अगे नू भी साडी सरकार ना किसे नाल धक्का करांगे, ना झूठा परचा किया ना असी करना। और जिहड़े विगड़े होए बंदे ने जिवें गैंगस्टर है अकाली दल की सरकार दे पाले हुए, उन्होंने असी सिर नहीं चकन देना। जिहड़ा जिहड़ा इनवॉल्व होएगा कार्रवाई होएगी। मैं कहना वो अपने आप नूं बना लैण, अपनी पहले पार्टी का संभाल लैण। नवजोत सिद्धू तो कांग्रसी है, कांग्रेस का मिनिस्टर रहा है, वो आप वाले अपने MLA तो सांभ लैण, कदे इधर नूं जांदे ने ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਪਰ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਆ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। मानसा जिले के दर्जन गांव की गेहूं की फसल पर गुलाबी सुंडी का हमला हुआ, जिससे 200 एकड़ के करीब फसल बर्बाद हो गई। इसी कारण पूरी फसल पर खतरे के बादल मंडराते देख कुछ किसानों ने अपनी फसल उखाड़ कर उस पर फिर से बिजाई करनी शुरू कर दी। किसानों के भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद खेतीबाड़ी विभाग किसानों को अपने स्तर पर कीटनाशक छिड़कने की सलाह दे रहा है। मेरा नाम कुलदीप सिंह जी, पिंड दलेर सिंह वाला तो, ते साड़ी कणक असी सरकार ने पाबंदी लाती भी अग नहीं लाउणी, असी उन्हां दे कहण ते जमा बिल्कुल भी अग नहीं लाई, ते इदू बाहर साड़ी कणक हरी हुंदी गई, नाल दी नाल सुंड पैंदा तुरिया गया। दूजिया कणकां जिन्हां च अग लगी सी वधिया ग्रोथ करदियां गईयां, साड़ियां कणकां बहिंदियां तुरियां गईयां, असी 3-4 स्प्रेहां करतीयां ने उत्ते, इदू बाद दुबारे बिजारा कर तुहाडे सामणे करी जांदे आ जी असी, ते सरकार ना तां सानूं कोई मुआवजा बोली गए ने
ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਕਿੱਲਾ ਇਸ ਲੋਟ 'ਤੇ ਸੁੰਡ ਨੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਆ ਜੂ? ਖਰਚਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਓ ਚਾਹੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਓ ਚਾਹੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਓ, ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੋਨਾ ਗੇਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਦਲੇਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੂ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮੀ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਣ ਵਿਹਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਣਕਾਂ ਨਾ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੋੜ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮਾਨਸਾ ਸੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਔਰ ਅਬ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੋ ਕੋ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੁਫੀਆ ਟੀਮੋ ਵ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨੋ ਸਹਿਤ ਹਰ ਤਰੀਕੋ ਕੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰੋਂ ਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੋ ਤੋੜਤੇ ਹੋਏ 3.5 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਔਰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੀਲੀ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਇਸਕਾ ਵਿਆਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਛੋਟੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ 3.5 ਕਿਲੋ ਪਪੀਅਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 300 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਰਡਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮਰਡਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਈ ਬਸ ਸਰਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਸਰ, ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ? ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਰ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ? ਨਾ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਤਰਸੇਮ ਟੁੱਡੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਚਨੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤਸਕਰੋਂ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰ 90 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀ, ਜਿਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 2/12/19 ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ESI ਨੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਰਾਜ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ 4 ਪੇਟੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 86 ਪੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 74 ਪੇਟੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ 6 ਪੇਟੀਆਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬਲੂ ਅਤੇ 10 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸਨੀ ਸਹੂਤਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 1 ਦਸੰਬਰ ਸੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਨੇ ਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੂਜਾ ਵਰਸ ਕਨੇਡਾ ਵਰਸ USA ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਸਵਾਂ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੰਗਣੀ ਟੀਮ ਬੀਜਦੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ USA ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਦੋ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੈਚ ਗੁਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਆ, 2 ਮੈਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਣੇ ਆ, 2 ਮੈਚ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ 2 ਮੈਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੇਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲ 2 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 2 ਮੈਚ ਹੋਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਜ ਰਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੀਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸਨੀਮ ਸਹੂਤਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਜ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੌਰ ਮੇ ਜਹਾਂ ਬਾਲੋ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਇਨ ਸਮੱਸਿਆਓਂ ਕੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਕੇ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਵੇਦ ਹਬੀਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਰੈਬੇਕਾ ਸੈਲੋਨ ਮੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋ ਲੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀ ਗਈ। ਯੇ ਹਮਨੇ ਜਾਵੇਦ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਓਪਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖੁਦ ਚਲ ਕਰ ਆਏ ਕੈਫੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਜਾਵੇਦ ਸਰ ਹਮਾਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਆਏ ਹੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ, ਯੇ ਆਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੇਂਗੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਹਮ ਇਨਕੋ ਬੁਲਾਏਂਗੇ, ਯੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਏਂਗੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਂਗੇ। ਜਾਵੇਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 80 ਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤਵਰਸ਼, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਆਪਕੇ ਲੀਏ? ਸਰ ਵਟ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, 80 ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਔਰ 800 ਕੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਨਕੇ ਸੈਲੋਨ ਹੈ, ਜੋ 922 ਇਨਕੇ ਸੈਲੋਨ ਹੈ ਜੋ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਅੱਛੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਲੂਨ ਖੋਲਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਜੋ ਜਵਾਈ ਸਭੀ ਕੇ ਜੋ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ, ਲਗਤਾ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੰਗਸਟਰ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਮ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਣੀ, ਉਹ ਇਸੀ ਪੇਸ਼ੇ ਮੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਏ ਦੇ ਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਕਮ ਇਨਕਮ ਲਗਾ ਕਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਹਬੀਬ, ਦਸ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨ, ਸਾਲੋਂ ਚਲਾਤਾ ਹੂੰ, ਸਾਲੋਂ ਕੇ ਚੇਂਜ ਚਲਾਤਾ ਹੂੰ, ਸਾਲੋਂ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਤਾ ਹੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਪਾਵਰ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਆਪਕੇ ਆਪੀ ਅਭੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਅਰਾਊਂਡ 81 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਹਮਲੋਗ 120 ਸਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਹਮਲੋਗ 24 ਸਟੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ 7 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਂ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਮੋਗਾ ਮੇ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੇ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਮੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਜੋ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਆ ਇਸਕੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸਕਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਕ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਵੀ ਕਾ ਐਡ ਦੇਖ ਲੇ ਔਰ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਲੇ ਹਮਾਰੇ ਬਾਲ ਬਚ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆਪ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਕੋ ਆਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਸੱਚੀ ਬਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਬਿਕੋ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਉਹ ਬਾਲੋ ਕੋ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰੋ। ਅਬ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕੌਨ ਸਾ ਕਰੇਂਗੇ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਬਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਹਾਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਪਾਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਵਹਾਂ ਕਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਸੇ ਕਰੇਂਗੇ? ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕੋਈ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲੀਜੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਤੇਲ ਹੈ ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ, ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੋ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਆ ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਤੇਲ। ਸਰ ਬਾਲਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਤੀ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਦਮੀ ਕੋ ਆਤੀ, ਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਆਤੀ, ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਮਹਿਲਾਏ ਵੀ ਇਸਮੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸਕਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ,
बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गया और वो बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा दिखाना है इस चक्कर के अंदर, बिकॉज नॉलेज ये ही नहीं है कि लगाना कैसे, बाल टूट रहा है। तो मैं कहता हूँ कि पहले अपने एक हेडड्रेसर के पास जाओ जो आपके बालों का डॉक्टर है, उससे पूछो मैं क्या लगाऊँ और कैसे लगाऊँ और कौन सा लगाऊँ, ये बात की बात है। वो पहले पूछते हैं कौन सा लगाऊँ, बस लगाना शुरू कर देते हैं। लंबे बाल औरतें रखती हैं लेकिन उसके अब उसके कटिंग नहीं कराती हैं, ठीक है, बॉब कट छोटे कट, लेकिन उसके बावजूद उनकी हेयर फॉलिंग रहती है। लेंथ है ना, बालों में लेंथ ज़्यादा है, बल्कि बालों में जितना वेट होगा बाल टूटेगा। इस तरह का पेड़ है, जितने पत्ते आते हैं इतने झड़ जाते हैं, ऐसे बाल है, जितना लंबा बाल होगा उतना टूटेगा। और हर इंसान के बाल लंबे नहीं हो सकते, बिकॉज हर इंसान डिफरेंट है, जैसे पेड़ छोटा बड़ा होता है ना, ऐसे बाल हर इंसान के बाल भी ऐसे होते हैं। आज की दौर में हबीब जावेद हबीब की क्या राय है, मशवरा क्या है हेयर फॉलिंग? मेरी लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ शिवांगी की रिपोर्ट। पंजाब के मिस्टर देश दीपक शर्मा, जिन्होंने विदेश में अपने भारत का नाम रोशन किया, उन्होंने मिस्टर विक्टोरिया, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया और मिस्टर लंदन का खिताब अपने नाम किया है। वहां विजय होने के बाद पहली बार लुधियाना के लिब्रा हेल्थ क्लब में पहुंचे। इस मौके उन्होंने पत्रकारों से खास बातचीत की। हाँ जी, मैं डॉक्टर दीपक प्रेशर लिब्रा हेल्थ क्लब लुधियाने तो बोल रहा हूं। सानू अज बहुत ज़्यादा खुशी है, मैनू कल्ले नू नहीं है ना, पंजाब नू हैगी है बल्कि पूरे हिंदुस्तान नू बहुत बड़ी खुशी है कि साडे विच अज देश दीपक शर्मा जी, जिन्हों तुसीं लक्की पंडित जी भी कहिंदे हो, हिंदुस्तान दा नाम बहुत उच्चा करके आए आ। अज हुणी हुणी इह इंडिया 'च पहुँचे आ साडे कोल, तां सारे जणे साडे एसोसीएशन दे मैंबर, साडी फैडरेशन दे मैंबर, साडे चैनल दे मैंबर, सारिआं ने इहनां दा बहुत निघा वैलकम कीता। उस हरेक बंदे नूं खुशी महसूस नहीं हो रही, कोई बंदे नूं लग नहीं रहा कि इन्ने वर्ल्ड लैवल दे बंदे साडे उहनां दे विचकार आ गए आ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਪਕ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਪਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਸਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਲੰਡਨ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ INIFD ਨੇ ਆਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਮੇਂ ਖੋਲਾ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ, जिसकी ओपनिंग डायरेक्टर मोना लाल ने की। इस मौके मैडम मोना लाल ने बताया कि सेंटर में इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएं भी स्टूडेंट्स को सिखाई जाएंगी। हाँ जी, आज हमने यहाँ पे ओपनिंग करा है लैंग्वेजेस सेंटर का, द लैंग्वेजेस सेंटर TLC। ये INFT का एक वेंचर है, INFT लुधियाना मैनेजमेंट का। हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, पर एक क्वालिटी एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम बाहर जाने के लिए देने के लिए और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सिखाने के लिए, स्पोकन इंग्लिश, हम बहुत सी, बिकॉज ये लैंग्वेजेस सेंटर है तो हम फ्रेंच, स्पैनिश, इटालियन, यहाँ तक कि हमारा विचार है उर्दू भी शुरू करने का। यहाँ पे हम एक इंग्लिश क्लब भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसमें लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और जो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। TLC का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन देना, जो INFT लुधियाना पिछले 23 साल से जिसको हम एक जस्टिस कर रहे हैं जो एजुकेशन सेक्टर में, उसी को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज INFT के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो खुद भी बाहर जाना चाहते हैं और उनको कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, जिसके लिए हमने ये सेंटर जो है वो खोला है। अभी जी बहुत ही नॉमिनल, हमने एज कम्पेयर टू मार्केट जो है काफ़ी नॉमिनल फ़ी स्ट्रक्चर हमने रखा है ताकि स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें। INFT स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिस्काउंट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, ताकि वो आए एक बार देखें कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही रूफ के अंडर उनको सारी सर्विसेज मिल रही हैं और स्टूडेंट को यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उनको अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करना है। हम लोगों का एंडेवर इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है, बहुत एक्सपर्ट स्टाफ है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और पहले भी हम क्योंकि INFT लुधियाना से विकास भावरे की रिपोर्ट।
लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा में आज दो दिवसीय एग्जीबिशन लगाई गई। वेडिंग के सीजन को मुख्य रखते हुए यहां अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके अंतर्गत 50 के करीब स्टॉल लगाए गए। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मेघा है। क्या कहना चाहोगे यहां पार्क प्लाजा में? जी यहां पार्क प्लाजा में बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है, जहाँ पे वोज करके एग्जीबिशन है, और हमारे पास एक सेनोरिटा कलेक्शन है जिसमें दबका वर्क है। आप देख सकते हैं ये पूरा दबका वर्क है, एंड बहुत लेटेस्ट हमारी जो कलेक्शन है वो हमारी ब्राइड्स एंड भरत कलेक्शन है। तो आप ये भी देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लेटेस्ट। ये हमारी लेटेस्ट कलेक्शन में से एक है जो हम शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे। ये बलबीर स्टोर की लेटेस्ट कलेक्शन हम लॉन्च कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे शोकेसिंग कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी? हाँ जी, ये वेडिंग और वोज की आई थिंक फर्स्ट टाइम ही एग्जीबिशन लग रही है इधर। लुधियाना से बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार आइए और हमारी भारत कलेक्शन को एक बार विजिट कीजिए, बिकॉज बहुत प्यारी और बहुत एलिगेंट कलेक्शन है ये वाला कलेक्शन। नमस्कार, मैं मुस्कान वुजन वाव से। हम हर साल की तरह इस साल भी लुधियाना में एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन लेके आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इट इज़ अ लग्जरी वेडिंग शोकेस, एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट बलबीर स्टोर। आई एम आल्सो वेयरिंग द बलबीर स्टोर ड्रेस राइट नाउ। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज यू कैन सी, और इनकी कलेक्शन इतनी ब्यूटीफुल है। एक बार आओ, विजिट करो और इनके स्टोर से खरीदिए अपनी कोई भी ड्रेस, और अपनी शादी को और बहुत अच्छा बनाइए, लग्जरी बनाइए, रॉयल लुक लीजिए और बहुत अच्छी फील लीजिए लग्जरी की। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोगों ने ऑलरेडी एक दो ड्रेसेस इसके ऑर्डर कर चुके हैं और बहुत सारी बिक चुकी हैं हमारी, तो जल्दी से आइए तब तक स्टॉक ना ख़त्म हो जाए। लुधियाना से विकास भावरे के साथ गगन की रिपोर्ट। होशियारपुर फगवाड़ा रोड पर पड़ते गांव फुगलाना से इटली में बसते एक पंजाबी सिख परिवार की बेटी ने इटली में भारतवासियों का सर फख्र से ऊंचा किया। उन्होंने पहले सिख सरकारी वकील बनकर पंजाबी और भारतीयों का नाम रोशन किया। यह खबर मिलने के बाद उसके जद्दी गांव फुगलाना और उसके ननिहाल घर में खुशी का माहौल है, और आसपास के लोग भी उनके परिजनों को बधाई देने आ रहे हैं। यह ज्योति तंबड़ है, जो कि जयपाल करमजीत सिंह तंबड़ की बेटी है। उन्होंने इटली में पहले सिख सरकारी वकील बनकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। जतेंद्रपाल कौर मेरी सिस्टर का नाम है, ये बेटी है जी ज्योति सिंह तंबड़, जी उत्थे सरकारी एडवोकेट बनी है। स्टार्टिंग तो काफ़ी हुशियार रही पढ़ाई से, जो भी पढ़ती रही वह हर वेज कॉलेज से नाम लिखा रहता है, 3 महीने तक ऑलवेज शी इज़ टॉपर। तो पहला ये आई सी जी अपने मेरे छोटे ब्रदर मैरिज आए थे, तो इन बिटवीन एक बार होर भी आए थे जी घूमने फिरने आए थे, थोड़े घूमने इन्होंने आए थे। वर्क बहुत ज़्यादा सू अपना प्राउड महसूस हो रहा जी कि साड़ी एक इंडिया की बेटी बाहर जाके एडवोकेट बनी है, एंड शी इज़ द फर्स्ट एडवोकेट। ये मतलब कि एक तो छोटी सिस्टर है जी ज्योति तो, एक छोटा बेटा वो भी उत्थे पढ़ते हैं जी। मदर फादर की करते ज्योति के? मदर तो हाउस लेडी उत्ते, ते इहदे फादर साहब उत्ते फैक्ट्री जॉब करते काफ़ी देर तो। मैं पवन कुमार मल्होत्रा जी, सानू बहुत खुशी हुई जी साड़ी महल्ले की बेटी जड़ी है वो एडवोकेट जनरल बनी है इटली दे विच, ते असीं तां उहदी मम्मी की शादी दी भी मैंने याद आ रही है, इस घर च उहदी शादी हुई सी, पिछे इहनां दे बेटे की शादी ते उहो बेटी भी आई दी सी, इन्हें सिस्टर भी आई तो वो बेटी भी आई सी जी अज एडवोकेट जनरल बने। सानू बहुत महल वाले खुशी है कि साड़ी पंजाब की बेटी साड़े हिंदुस्तान की बेटी ने साड़े हुशियारपुर का नाम रोशन किया। मेरा नाम प्रेम कुमार है जी, मैं रिटायर्ड स्टेशन सुपरिटेंडेंट है रेलवे चो। इट्स ए बिग ऑनर टू होल ऑफ पंजाब, इन्हें पंजाब का नाम रोशन किया और बड़ी खुशी है सारे वास्ते, साढ़े वास्ते भी, महल्ले वाले वास्ते भी, हुशियारपुर वास्ते भी, और परमात्मा मुरे दुआ है कि होर भी अगे तरक्की करे। हुशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।